अभी तक की क्लासों के अंदर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था हमारो ब्रायोफाइटा, उस ब्रायोफाइटा की तीन क्लास होती थी। पहली क्लास थी हमारी हिपैटिक ऑप्सिडा, जिसे हम लोग कहते थे लीवरवर्ट, और दूसरी क्लास थी हमारी एंथोसिरोप्सिडा, और तीसरी क्लास है हमारी ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को हम लोग मॉसेस के नाम से भी जानते हैं। हमारे क्लास के अंदर 11th के अंदर जो एंथोसिरोप्सिडा क्लास है वो अपने कोर्स में नहीं है। केवल और केवल क्लास 11th के कोर्स में दो क्लासें दी गई हैं। पहली क्लास है हिपैटिक ऑप्सिडा, जिसे हम लोग लीवर वर्ड के नाम से जानते हैं, उसको पिछली वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग दूसरी क्लास हमारे कोर्स में है नहीं, तो उसकी बात नहीं होगी, केवल नाम लिखा करके उसको छोड़ दिया गया है। तीसरी क्लास हमारे कोर्स में है, जिसका नाम है ब्रायोप्सिडा। तो आज हम लोग तीसरी क्लास पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की, तो उसका नाम है भैया ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, और ब्रायोप्सिडा को हम लोग जनरली कॉमन नेम से जानते हैं, मॉसिस के नाम से। क्या जानते हैं भैया? मॉसिस के नाम से कहते हैं ब्रायोप्सिडा को। तो सबसे पहले हमारा इनका लक्षण होता है कि हम इनके बारे में जाने कि इनका शरीर कैसा है। तो पहली हेडिंग रहेगी शारीरिक संगठन, जिसे कहते हैं हम लोग बॉडी कंपोजिशन, शारीरिक संगठन। इनका शारीरिक संगठन कैसा है, किस तरीके से ये दिखने में होते हैं, इसमें ये हमें जानना है। तो आपको बात ये याद रखनी है कि जो हमारे ब्रायोप्सिडा के सदस्य होते हैं, इनका आकार, इनका युग्मकोद्भिद पत्ती नुमा तथा सीधा खड़ा होता है। पृथ्वी पर अभी तक हम लोग थैलोफाइटा में पढ़ रहे थे कि प्लांट जितने भी मिलेंगे चपटे मिलेंगे, पृथ्वी पर चिपके हुए मिलेंगे, उनको जड़ तना पत्ती नहीं दिखाई पड़ती है, वास्तविक नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बताया था कि ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन जड़ तना पत्ती का हमें आभास होता है, झूठ मूठ का आभास होता है, लेकिन वास्तविक जड़ तना पत्ती यहाँ पर भी नहीं पाई जाएंगी। इसका मतलब है कि जड़ तना पत्ती के समान कुछ रचना दिखती होगी, लेकिन वास्तविकता में जड़ तना पत्ती नहीं होती होगी। दूसरी बात बताया यहाँ पर, इनका शरीर पत्ती नुमा है और सीधा है। अगर किसी भी चीज का शरीर सीधा होगा तो वो पृथ्वी से थोड़ा उठना स्टार्ट कर देगा। कहने का अर्थ है कि ये जो है कुछ कुछ पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह या पौधे की तरह दिखना दिखाई जा सकते हैं। और जबकि थैलोफाइटा में हम लोगों ने पढ़ा था काई को, एल्गी को, सहवाल को। अच्छा बताइए, आप काई का जड़ तना पत्ती दिखता है क्या आपको? तो काई जो हमारी लगी रहती है पानी के अंदर, उसमें ना ही जड़ दिखता है, नहीं दिखता है ना ही पत्ती। इसका मतलब थैलोफाइटा के अंदर कुछ भी नहीं दिखता और उनका आधार चपटा होता है, इसीलिए नाम रखा गया था थैलोफाइटा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, इनका जो युग्मकोद्भिद पौधा होता है, इनका युग्मकोद्भिद पत्ती नुमा व सीधा होता है, पत्ती नुमा व सीधा होता है। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो इनका शरीर है ये पत्ती नुमा और सीधा होता है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि जो इनका अक्ष है, इनका शरीर है, अक्ष की निचली सतह पर, क्या याद रखना है, अक्ष के निचली सतह पर या नीचे की ओर। तो अगला पॉइंट इसमें ये याद रखना है, अक्ष के नीचे की ओर बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास पाए जाते हैं। शाखित मूलाभास पाए जाते हैं, साथित
मूलाभास पाए जाते हैं। पहले एक पॉइंट ये वाला नोट करें, फिर हम समझाए कि मूलाभास का अर्थ क्या है, साखित क्या अर्थ क्या है, हर एक बात को अभी हम लोग समझते हैं। तो पहले आप नंबर पर ये लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि मूलाभास होता क्या है। देखिए भाई, अब मूलाभास देखिए, एक शब्द होता है जड़, और जड़ को ही हम लोग कहते हैं मूल। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर कभी भी वास्तविक ना ही जड़ पाई जाएगी, और चाहे आप जड़ को जड़ कहिए या फिर उसको कह दीजिए मूल, यानी ना ही हमारे पास वास्तविक मूल होगी, लेकिन मूल की तरह, जड़ की तरह कुछ आभास होता होगा, कुछ संरचना पाई जाती होगी मूल की तरह, जड़ की तरह क्या आभास होता होगा। जब मूल में हम लोग आभास जोड़ देंगे तो शब्द बन जाता है हमारा मूलाभास, यानी जड़ के समान कोई संरचना दिखती होगी, उसी को नाम दे दिया मूलाभास। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक संरचना दिखती है जड़ की तरह, मूल की तरह, नाम है मूलाभास, वो शाखों में बटा होता है, एक कोश की संरचना नहीं है उसकी, वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है मूलाभास के बारे में कि मूलाभास बहुकोशिकीय होता है, शाखित होता है, और अक्ष के निचली सतह पर पाया जाता है। और ये याद करने की कतई जरूरत नहीं है कि निचली सतह पर पाया जाएगा, क्योंकि जड़ हमेशा जो है निचली ही सतह पर पाई जाती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जड़ जो है हवा में निकल रही है और बढ़ती हुई जा रही है ऊपर की ओर। चलिए एक बात ये हो गई, अब हम लोग इनके जनन के बारे में बात कर ले कि भाई इनका लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन कहाँ पर होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो अगली हेडिंग हमारी आ जाएगी जनन, क्या आ जाएगी भैया हेडिंग हमारी जनन आ जाएगी। और हम आशा करते हैं आपको जो है वीडियो के अंदर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए अगली हम लोगों को हेडिंग पढ़नी है भैया जनन के बारे में, और जनन को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं भैया? रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो जनन होता है कायिक जनन, और कायिक जनन का अर्थ हम लोग पहले ही वीडियो में जान चुके हैं कि कायिक जनन का अर्थ होता क्या है। कायिक जनन का मतलब ये होता है कि अपने शरीर की कोशिका के द्वारा अपने समान एक जीव बना लेना ही कायिक जनन कहलाता है, क्योंकि कायिक शब्द का मतलब ही होता है काया या शरीर, और इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए पहले नंबर पर ये याद रखना है, इसमें कायिक जनन दो विधि के द्वारा होता है, एक विधि का नाम होता है विखंडन और दूसरी विधि का नाम होता है मुकुलन। जो विखंडन विधि होती है ये होती है प्राइमरी प्रोटोनीमा के अंदर, प्राथमिक प्रोटोनीमा के अंदर होती है विखंडन विधि। तो हमारा पॉइंट भैया पहले नंबर का बन जाएगा कि प्राथमिक प्रोटोनीमा हम लोग क्या लिखेंगे, प्राथमिक प्रोटोनीमा, प्राथमिक प्रोटोनीमा में विखंडन द्वारा, प्राथमिक प्रोटोनीमा में विखंडन द्वारा, और जबकि द्वितीय प्रोटोनीमा में। अब ये प्रोटोनीमा होता क्या ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, यहां पर बस आपको नाम याद रख लेना है, द्वितीय प्रोटोनीमा में, द्वितीय प्रोटोनीमा में मुकुलन द्वारा, और मुकुलन को कहते हैं इंग्लिश में बडिंग, और विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में मुकुलन के द्वारा कायिक जनन होता है। अच्छा आप लोग इतना जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी फेयर में लिखेंगे, बाकी हम लोग जो है इस मिलते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग पर इसी के अंदर, अब हमें पढ़ना है कि जो इनके जननांग होते हैं, जो लैंगिक जननांग होते हैं उनकी स्थिति,
और हम लोग ये पॉइंट हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जो सरकारी वाली किताब होती है उसके माध्यम से पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिक्टो कॉपी कर रहे हैं उसकी मदद से। चलिए अगला पॉइंट बनता है हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट। ये पॉइंट कहता है कि जो इनके लैंगिक जननांग है, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश इनमें इनके की सेक्स ऑर्गन, यानी जो इनके जननांग है, तो लिखेंगे जननांग पत्ती नुमा युग्मकोद्भिद, पत्ती नुमा युग्मकोद्भिद के शीर्ष पर उपस्थित होता है, शीर्ष पर उपस्थित होता है, यानी जो इनके जनन अंग होते हैं, जननांग अंग होते हैं, ये उपस्थित होते हैं युग्मकोद्भिद के शीर्ष पर, और युग्मकोद्भिद का आकार होता है पत्ती नुमा, इसीलिए इसे कहते हैं पत्ती नुमा युग्मकोद्भिद। कहने का मतलब है द सेक्स ऑर्गन सिचुएटेड ऑन अपेक्स ऑफ फोलियोज गैमेटोफाइट। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब अगली पॉइंट हम लोग चलते हैं चार नंबर पर। पॉइंट अगला पॉइंट आता है हमारा कि जो इनका बीजाणुद्भिद पौधा होता है, स्पोरोफाइट जो पौधा होता है, ये फुट सीता और कैप्सूल में विभाजित होता है। तो अगला पॉइंट रहेगा हमारा चार नंबर पर, लिखेंगे इनका बीजाणुद्भिद पौधा, क्या लिखेंगे भैया, इनका बीजाणुद्भिद पौधा, बीजाणुद्भिद पौधा फुट सीता कैप्सूल, फुट सीता कैप्सूल में विभाजित होता है, में विभाजित होता है। ये बात आपको याद रखनी है, जबकि हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, अगर याद हो आपको, लीवर वर्ल्ड के अंदर वहां पर बढ़िया से फुट सीता कैप्सूल नहीं पाए जाते हैं। और हम आपको ये पहले ही बात बता चुके हैं कि जब भी कभी किसी चीज का विकास होता है तो पहले जो पाए जाते हैं वो कम विकसित होते हैं, जो बाद में बनते हैं वो अधिक विकसित बनते हैं। यानी ब्रायोफाइटा की ये लास्ट क्लास है, लास्ट का मतलब अंतिम कक्षा है, अंतिम क्लास है, अंतिम वर्ग है, तो इसके अंदर ही सबसे ज्यादा एडवांस वाले लोग पाए जाएंगे, अधिक विकसित वाले लोग पाए जाएंगे। अर्थ कहने का यह है कि जो बीजाणुद्भिद का युग्म, जो हमारा ब्रायोप्सिडा का बीजाणुद्भिद होता है, ये लीवर वर्ट से अधिक विकसित होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे इनका बीजाणुद्भिद, अगला पॉइंट लिखेंगे इनका बीजाणुद्भिद लिवर वर्ट से अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। ये बात आपको भी लिख लेनी है अच्छी तरीके से कि जो इनका बीजाणुद्भिद है ये क्या होगा, लिवर वर्ट से अधिक विकसित होगा। अच्छा, ये बात आपको पहले ही बता जा चुकी है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि विकास के क्रम में जो बाद की चीजें होते हैं वो अधिक विकसित होती है, और जबकि पहले की चीजें क्या होती हैं, कम विकसित होती हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, फिर हम लोग इसको जो है खत्म कर देंगे। चलिए, आपको दिख रहा होगा इतना, अगला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे छठे नंबर का पॉइंट है हमारा, छठे नंबर का पॉइंट कहता है बीजाणुद्भिद, और अगर आपको बीजाणुद्भिद और उसमें इसकी स्पेलिंग लिखना हो तो यहां पर भाई लिख लीजिए युग्मकोद्भिद। दो स्टेज होती है प्रत्येक पौधे की,
एक का नाम होता है युग्मक उद्भिद और एक का नाम होता है बीजाणु उद्भिद। युग्मक उद्भिद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं भैया गैमिटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट। और ये हमेशा एन होता है। और बीजाणु उद्भिद को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पोरोफाइट। ये हमेशा कैसा होता है भैया? 2N होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, युग्मकोद्भिद हमेशा अगुणित N होता है, बीजाणुद्भिद हमेशा द्विगुणित 2N होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग गैमिटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को इसमें लिखना है कि बीजाणुद्भिद की भित्ति में रंध्र और क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसलिए यह युग्मकोद्भिद पर आंशिक रूप से निर्भर नहीं निर्भर होता है अभी इस लाइन को अर्थ समझ में आएगा आपको। पहले नंबर पर काम ये करना है आपको, केवल और केवल नोट कर लेना है। इसलिए यह क्या होता है? निर्भर होता है। चलिए अब कहने का अर्थ क्या है? बताया था कि हमेशा सदैव क्या होता है, यहां पर आप लोग देख लेंगे जगह है हमारे पास, बताया था भैया कि ये मान लीजिए हमारा हो गया पत्ती के आकार का बना लिया हमने हल्का सा इस तरीके से पत्ती नुमा, इसको हमने नाम दे दिया इस वाले पौधे को, इस पौधे को नाम दे दिया हमने युग्मकोद्भिद। और इसके निचली सतह पर पाए जा रहे हैं ये मूला आभास, शाखित है, शाखा बना दी भैया, ये बहुकोशिकी है तो बहुत सारी कोशिका का बना दिया, इस तरीके से है हमारा प्लांट। अब फिर है इसके ऊपर ही निकल आता है युग्मकोद्भिद जो फुट सीता कैप्सूल में विभाजित होता है। तो यहां पर हमने बना दिया भैया, ये हमने बना दिया इसका युग्मकोद्भिद। अच्छा जो बीजाणुद्भिद पौधा है वो कहां पर निकला है? युग्मकोद्भिद पौधे के ऊपर। लेकिन इस बीजाणुद्भिद के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और रंध्र पाए जाते हैं। अच्छा रंध्र पाया जाता है तो ये वातावरण से CO2 को ग्रहण कर लेगा, क्लोरोफिल पाया जाता है यानी ये सूर्य के प्रकाश से कौन सी क्रिया कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। लेकिन क्या बताइए, ये जल ले सकता है क्या अपने आप से? जल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आप इसको जल लेना है तो जल ये हमेशा मांगेगा भैया युग्मकोद्भिद से, कहेगा हमको जल दे दीजिए, हमारे पास जड़ नहीं है। तो यही युग्मकोद्भिद यहाँ उपस्थित जल को ग्रहण करके यहाँ पर देगा। यानी बताइए ये बीजाणुद्भिद इसके ऊपर पूर्णता निर्भर है कि आंशिक रूप से निर्भर है? तो हम लोग कहेंगे आंशिक रूप से निर्भर है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, बीजाणुद्भिद की भित्ति में रंध्र और क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं इसलिए युग्मकोद्भिद पर आंशिक रूप से क्या होता है? निर्भर होता है, पूर्णता निर्भर नहीं होता है। अब हम लोगों को इनको जो है एग्जाम्पलों को पढ़ लेना है। इसके अंदर बस 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला इस एग्जाम्पल है हमारा फ्यूनेरिया। क्या है भैया एग्जाम्पल? फ्यूनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इस फैगनम। क्या है? इस फैगनम। जबकि तीसरा एग्जाम्पल है हमारा
पॉलीट्राइकम, क्या नाम है भैया? पॉलीट्राइकम। तो ये तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ब्रायोप्सिडा में फैमिली के ये मेंबर हैं। कौन कौन से? फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम के नाम से जाने जाते हैं। और आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में भी आया होगा। तो फिर हाल आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।